ख्वाजा बोले गुनूदगी आई, सोच में पड़ गए, गुनूदगी आई, नींद सी आई बैठे बैठे, सोच में पड़ गए, इंडिया की सुल्तानी, भारत की सुल्तानी नदी की तरफ से। तो फरमाते हैं हैरान होकर, मैंने तो या रसूल अल्लाह कभी हिंदुस्तान देखा ही नहीं, मैंने तो हिंद देखा ही नहीं। मोबाइल चला रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, थोड़ीपुरा में प्रोग्राम हो, दिल्ली वाले देखते हैं, दिल्ली में प्रोग्राम हो तो जनाब वाला ये शहपुरा वाले देखते हैं, अमेरिका में प्रोग्राम हो रहा है यहाँ वाले देख रहे हैं। टोटल मिलाकर लाइव टेलीकास्ट का दौर चल रहा है। हमारी फॉर्म भी व्हाट्सएप पे बहुत आगे पहुंच गई, फेसबुक पे बहुत आगे पहुंच गई, लाइव लाइव फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। या तो अमर उजालिया, दैनिक जागरण, या फुर्सत मिली तो व्हाट्सएप या फेसबुक या लाइव टेलीकास्ट। बस सीना चौड़ा करके आज की साइंस के लाइव टेलीकास्ट यहाँ हो, प्रोग्राम हो, देखेगी अमेरिका में दुनिया लाइव टेलीकास्ट। मगर मैं आपको ख्वाजा की इस मजलिस में बताना चाहता हूँ, क्या रे दुनिया को तो पता भी नहीं था लाइव टेलीकास्ट क्या होता है। 1400 साल से देखो ये है लाइव टेलीकास्ट। 1400 साल पहले न कंप्यूटर है, न जनाबे वाला न कंप्यूटर है, न डिजिटल दुनिया है, न जनाबे वाले कंप्यूटर है, न डिजिटल दुनिया है, न मॉडर्न साइंसेस का जमाना है। खुदा की कसम इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। अरे तुमने तो आज देखा लाइव टेलीकास्ट, ये है 1400 साल पहले। ख्वाजा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो कभी भारत इंडिया हिंदुस्तान देखा ही नहीं, तो मेरा मुस्तफा उसी ख्वाब में पूरे हिंदुस्तान को मैं नक्शे के, मैं भूगोल के, मैं जनाबे वाले रास्तों के, पूरा हिंदुस्तान अल्लाह के नबी ने ख्वाजा के सामने रख दिया। ये रास्ता फला जगह को जाता है, ये रास्ता फला जगह को जाता है। लाइव टेलीकास्ट ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइंस की बातों से, मगर हमें अपनी बातों का कोई पता नहीं। दुनिया भाग रही है हुजूर की तरफ और हम भाग रहे हैं दुनिया की तरफ। पहला लाइव टेलीकास्ट की बात करूं अगर इजाजत हो तो। जी जी जी। खाने काबा बन गया, खाने काबा बन गया, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, सैयदना इस्माइल खलीलुल्लाह ने गारा ढोया, खाने काबा की तामीर हो गई। जब खाने काबा की तामीर कंप्लीट हो गई तो मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमा, कुरान में है आयत करीमा, मेरे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से, खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम से मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वअज्जिन बिन्नास बिल हज यातूक रिजाला वअला कुल दामिर यातीना मिन कुल फज्जिन अमीक। ए इब्राहिम आवाज लगाओ, इस पहाड़ी पे चढ़ के आवाज लगाओ, तवज्जो है आपकी। जी जी जी। इब्राहिम इस पहाड़ी पे चढ़ के आवाज लगाओ, लोग हज करने आए, खाने काबा का तवाफ करने आए, पैदल आए या सवारी पे आए, किसी तरीके से आए आए, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज किया, या अल्लाह वादी गैर दी जरा, न किसी मर्द का पता न किसी औरत का पता, बयाबान जंगल चारों तरफ सुनसान सुनसान सन्नाटे हैं, को जाए अल्लाह मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी आवाज कौन सुनेगा, मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी आवाज पहुंचेगी कहाँ। अगर इजाजत हो तो अगला जुमला सुन लो, बात को मैं जनाबे वाला ख्वाजा की तरफ ले जाऊं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि लाइव टेलीकास्ट किसे कहते हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, या अल्लाह मैं आवाज लगाऊं तो सुनेगा कौन। हजरत मोहतरम, हाँ कौन, आबादी कहाँ थी वहाँ, वादी गैर दी जरा, सुनी सुनी सुनी, अरे बयाबान जंगल था। हजरत मोहतरम तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुनो जिंदा दिल मुसलमानों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ इब्राहिम, इधर देखो इधर देखो, हाँ बैठ जाओ बैठो बैठो बैठो, आ जाओ, कितनी मोहब्बत से बुला रहे हैं ओ इब्राहिम। जुमला ओ इब्राहिम,
आवाज लगाओ, आवाज लगाना तुम्हारा काम है, आवाज लगाना तुम्हारा काम है। और कयामत तक पैदा होने वाले हर इंसान के कान में आवाज पहुंचाना हमारा काम है। खुदा की कसम ये उस वक्त की बात है जब मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, जब मॉडर्न साइंस नहीं, ये अल्लाह है। इरशाद फरमाया आवाज तू लगा, कानों में मैं पहुंचाऊं। इब्राहिम ने ऐलान किया, घोषणा की, कयामत तक जितने पैदा होने वाले थे, जो माँ के पेट में था, जो बाप की पीठ में था, जो अल्लाह के इल्म में था, कयामत तक आने वाला था, सबके कानों में आवाज पहुंची। किसी ने कहा लब्बैक, किसी ने कहा दो बार लब्बैक लब्बैक, किसी ने कहा तीन बार लब्बैक लब्बैक लब्बैक, कोई बोल न सका, जो बोल न सका, करोड़पति अरबपति होके भी हज कर न सका, चाहे मक्के में ही रहा हज कर न सका, इसलिए कि लब्बैक बोल न सका। जिसने एक बार बोला वो एक बार कर गया, जिसने दो बार बोला वो दो बार कर गया। झुग्गियों झोपड़ियों वालों ने जनाने वाला कई कई हज कर डाले, और फर्म में चलने वाले करोड़पति महरूम रहे। हजरत मोहतरम, वजह क्या है? वजह ये है कि वो जहाँ थे कानों में आवाज आई थी, फैसला उसी दिन हो गया था। जो एक करेगा वो एक बार बोलेगा, जो दो बार हज को जाएगा वो दो बार लब्बैक कहेगा, और जिसने नहीं बोला। ये लाइफ तरीका से ये ख्वाजा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा भूगोल मुस्तफा जाने रहमत के आशिक को दिखा दिया, और सिंध के रास्ते से मेरा ख्वाजा इंडिया में एंट्री करता है। मकसद क्या है? कुफ्रिस्ताने हिंद के, कुफ्रिस्ताने हिंद की अंधेरों की, जुल्मतों की, तभी चादरों को फाड़ लो ख्वाजा, जाओ इम्तिहान का टाइम है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे की चादर को फाड़ो ख्वाजा, मेरा ख्वाजा आया अकेला है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, हम तो दीन फैलाने जा रहे हैं, तो स्टोव पहले लेके जाते हैं, बिस्तर पहले लेके जाते हैं, प्लेटें लेके जाते हैं, और हम बड़े फखर से कहते हैं हम दीन फैलाने जा रहे हैं। मगर खुदा की कसम, हमने जितना दीन फैलाने वालों की हिस्ट्री पढ़ी है, किसी के साथ कभी प्लेट नहीं देखी। आप देख लीजिए, मैं दो मिनट या एक मिनट के अंदर सर्वे करूंगा, मेरा नबी सबसे ज्यादा दीन फैलाने वाला मक्का से मदीना आया, मक्का से मदीना आया। मगर अल्लाह की, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है, मदीना आया दीन का झंडा बुलंद करने के लिए, इस्लाम का बोलबाला करने के लिए। मगर हिस्ट्री गवाह है, मुस्तफा कोई प्लेट लेके नहीं आए, मुस्तफा कोई बिस्तर लेके नहीं आए, मुस्तफा जाने रहमत के पास प्लेट नहीं थी। मेरा नबी मक्के से मदीना आया मगर प्लेट साथ नहीं, मेरा हुसैन मदीने से करबला आया दीन का झंडा ऊंचा करने के लिए। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, हुसैन मदीने से करबला आया दीन का झंडा ऊंचा करने के लिए। मगर हिस्ट्री गवाह है, कोई प्लेट साथ ना थी, ना प्लेट थी, ना लोटा था, ना स्टोव था, ना बिस्तर था। खुदा की कसम, अकेला हुसैन मदीने से करबला बगैर प्लेट के, हजरत मोहतरम दीन का नाम ऐसा बुलंद कर गया, ऐसा बुलंद किया हुसैन ने कि आज जो पूरी दुनिया में तुम्हें नबी के इश्क की बहारें नजर आती हैं, ये जो मुसल्लों पे ताजगी नजर आती है, अल्लाह की कसम इन मुसल्लों के नीचे अगर गौर से देखो तो करबला वाले हुसैन सल्लल्लाहु नजर आता है। कुर्बानी क्या दे दी खुदा की कसम, मुसल्लों के तकद्दस को बचा लिया हुसैन ने। हजरत मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत का शहजादा बगैर प्लेट के मैंने करबला में आया। और आगे बढ़ो तो जनाबे वाला पैदा हुए जिलान में, और दीन का झंडा ऊंचा करने पहुंच गए बगदाद में। गौसे आजम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाहे जीना, गौसे पाक, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए जीलान में, और पहुंच गए जनाबे वाला दीन का झंडा बुलंद करने के लिए बगदाद में। मगर हिस्ट्री गवाह है, दीन का झंडा ऊंचा करने के लिए गए, मगर ना कोई प्लेट साथ थी, ना कोई बिस्तर साथ था। कहना चाहता हूँ जो दीन फैलाने जाते हैं उन्हें प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ती। छोछा वाला सैयदना व मौलाना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देखो, खुदा की कसम समनान कहां, समनान कहां, मुल्क हिंदुस्तान दीन का झंडा बुलंद करने के लिए इंडिया में आया, मगर कोई प्लेट साथ नहीं। सैयद सालार मसूद कादरी कहां से कहां आ गए दीन का झंडा ऊंचा करने के लिए, मगर कोई प्लेट साथ नहीं। ना तवज्जो चाहूंगा, जोर से कहो सुभान अल्लाह, ये हाफिज शाह जमालुल्लाह। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद सुभान अल्लाह रामपुर की आनो बानो शान इस पूरे खित्ते की आनो बानो शान हाफिज साहब कहां से कहां दीन का झंडा बुलंद करने के लिए मगर कोई प्लेट साथ नहीं जनाबे वाला मुजद्दिदे अली फैसानी अकबर की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो गए खुदा की कसम मगर बगैर प्लेट और पिस्तर के आगे बढ़ो हजरत ये हम जिस तनाजुर में है और जिस पॉइंट पे हैं उस पॉइंट पे गौर करो ख्वाजा पैदा हुआ संजर में आया मदीने से हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान जी 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 आज मुसलसल बोल रहा हूं ताकि जी एक घंटे के अंदर ही मिल जाए इसी को चाहूं तो 10 घंटे में बोल दूं जी अल्लाह वाह और इसी को चाहूं तो अल्लाह तौफीक बख्शे फैला दे तो इतना फैल जाए जी और जनाब वाला समेत तो इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन आप हजरात से बड़ी बड़ा दिल जो है मुतासिर हो रहा है पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह भर गया और चारों तरफ कुर्सियां जनाब वाला जितनी बिछी हुई थी माशाल्लाह काश और बिछा देते पहले ही तो और इतनी आ जाते मगर बिछाई नहीं खड़ी खड़ी समेट में रख दी बिछाना चाहिए था इसलिए बिछाना चाहिए था कि बर्तन जितना बड़ा होता पानी उतना ही तो होता चलो मगर जितनी थी आप आए रूहानियत और नूरानियत जलसे में नजर आ रही है अल्लाह आपको सलामत रखे किसी मौके पे फिर हाजिरी होगी तो बड़ी बातें होंगी शमशेर भाई इंशाल्लाह क्या नाम है मौलाना निजामुद्दीन आप शाहिद भाई मौलाना शाहिद साहबुल्ला और बड़ी बड़ी हस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह हैं शहपुरा बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहां मौजूद हैं सबके नाम तो मैं गूंज रहे हैं जहन के अंदर मगर जनाब वाला एक अल्लाह ताला सबके दराए माश में इस पैगाम दे सब मेरे सर के ताज हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने आबदाने लिखा हाजिरी होगी हजरात मोहतरम बहुत बातें होंगी मगर आज तुम मेरी इन बुनियादी बातों को समझो कि जीलान कहां कहां संजर है कहां मदीना शरीफ है वहां से बगैर प्लेट के आ गया बगैर बिस्तर के आ गया मैंने ख्वाजा से पूछा अंदर ही अंदर तसव्वुर की दुनिया में एक ख्वाजा देश पछा कर दिया बगैर प्लेट के कई लाख को कलमा पढ़ा दिया बगैर प्लेट के उजाला फैला दिया बगैर प्लेट के ख्वाजा हम तो दुनिया को देख रहे हैं कि वो जाते हैं दीन फैलाना तो प्लेट साथ साथ लेके जाते हैं तो ख्वाजा का किरदार जवाब देता मेरे गुलाम इमरान हनफी प्लेट लेके वो चले जो प्लेट लेके चले क्या बात है अरे प्लेट लेकर वही तो जा रहा है प्लेट लेकर जाएगा जिसका मकसद प्लेट होगा वही तो रखेगा प्लेट को प्लेट वो लेकर चले जो प्लेट लेकर चले हम प्लेट नहीं इसीलिए प्लेट नहीं हम तो बस अल्लाह की रजा का टारगेट लेकर चल रहे हैं खुदा की रजा का टारगेट और वो भी मस्जिदों के गेट पे नहीं वाह वाह अल्लाह की रजा का टारगेट और वो भी अपना गेट मस्जिद के गेट पे नहीं समझ लो जनाब वाला मस्जिद के गेट पे नहीं मस्जिद है ही नहीं कौन से गेट पे बैठेंगे वहाँ तो चारों तरफ जनाब वाला चारों तरफ कुफर की निशानियाँ हैं हजरत ये माबिद है तरह तरह के माबद बने हुए हैं हजरत मोहतरम मेरा ख्वाजा सबसे पहले दिल्ली में आके बैठा था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आके बैठा घबरा तो नहीं रहे हो मेरा एक लंबा सफर इंशाल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से इंशाल्लाह किसी मौके पे इंशाल्लाह बगैर किसी कशमकश के कभी ना कभी आपसे एक बार होगी मुलाकात मैं तो हैरत कर गया थोड़ी पूरा इतने दिन हो गए मुझे बोलते बोलते मगर आज पहली बार शमशेर भाई ने कर्म फरमा दिया जो मैं यहाँ मंडुआ हसनपुर में तो आया मगर यहाँ तो नहीं आया बैठे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार में बैठे ख्वाजा शमशेर भाई हर मौलाना फसाहत साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है बहुत दिनों की बात हो गई 7-8 साल पुरानी बात हो गई 4 साल हो 5 साल हो गए लॉकडाउन में भूल गए कितने साल हो गए लॉकडाउन ने सब भुला दिया कहां बैठा है मस्जिद के गेट पे नहीं
अब तुम समझ लो मांग रहा था, बोलने की क्या जरूरत है। औरतें चली अंदर को, औरतें चली अंदर, अंदर को चली, कहाँ को चली, वहाँ जाके बैठे ख्वाजा, तो अंदर को जा रही हैं औरतें। औरतों का भी बड़ा किरदार रहता है हर चीज में। कुछ कटोरे हैं उसमें सूद है, ख्वाजा बोले कहाँ जा रही है, ख्वाजा बोले कहाँ जा रही है, कि बाबा अंदर जा रहे हैं, कहा क्या करने जा रही है, कि बाबा ये करने जा रहे हैं, समझ गए बाबा ये करने जा रहे हैं, कि हाथों में क्या है, कहा दूध है बाबा, कहा पीते हैं क्या, कहा कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, पत्थर भला पी लेंगे। इरशाद फरमाया आज जाके कह देना कि वो जो गेट पे बाबा बैठे हैं उन्होंने कह दिया आज पी लेना, आज पी लेना। खुदा की कसम ये तसर्रुफ दिया है अल्लाह वालों को, अल्लाह ने ये तसर्रुफ दिया है, ये इनकी जबान से कुछ निकला तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है, उनका अल्लाह से खास ताल्लुक होता है। हमने इंडिया में देखा एक बुजुर्ग और है अहमदाबाद में है, आप आंखों से जाके देख लो, वो बुजुर्ग हमारे अल्लाह वाले अल्लाह के वली। एक दिन ईशा की नमाज पढ़ने चले तो रास्ते में ठोकर लग गई, ईशा की नमाज पढ़ने चले तो रास्ते में ठोकर लग गई, ठोकर लगी तो गिर गए, जब गिरे तो जबान से निकला लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, न जाने क्या है, चले गए, कह के चले गए, ईशा की नमाज पढ़ी अपने घर चले गए, कयामगा पे आए, खानका पे आए, जनाब वाला रात आती रही जाती रही, सुबह की वो फटने लगी, अजाने फज्र हुई, नमाज फज्र हुई, नमाज फज्र के बाद जैसे ही सूरज की किरणें जनाबे वाला सूरज की किरणें उस चौराहे पे जनाबे वाला फैलने लगी, लोग जनाब जोक दर जोक इकट्ठे होने लगे और कानाफूसी होने लगी। हजरत मोहतरम आपस में लोग कहते थे अल्लाह बेहतर जाने क्या है, एक तरफ लकड़ी है, दूसरी तरफ लोहा है, तीसरी तरफ पत्थर है और चौथी तरफ तो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हजरत मोहतरम एक ऐसी चीज, एक तरफ लकड़ी है, दूसरी तरफ लोहा है, तीसरी तरफ पत्थर है और चौथी तरफ न जाने क्या है, वो आज तक रखी हुई है। 300 कुछ रिसर्चें हो गई, काट काट के अंग्रेज ले जाते हैं कि देखे तो सही है क्या, तो जनाब वाला फाइनल रिपोर्ट वापस ये आती है, वी डोंट नो, पता नहीं क्या है। हजरत मोहतरम यही अल्फाज तो निकले थे अल्लाह वाले की जबान से, लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, न जाने क्या है, ये निकल गया, जो निकल गया वो निकल गया, अल्लाह से खास इलाका और खास ताल्लुक, जनाब वाला जो जबान से निकला अल्लाह ने उनकी लाज रख ली, इधर गरीब नवाज की जबान से निकला आज जाके कह दो खास ताल्लुक है। ये बात मैंने नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने खुद इरशाद फरमाई। क्या एक बूढ़ी औरत आई, जरा जोर से मचल के कहो बोलते रहो सुभान अल्लाह, बोलोगे रहमत के फरिश्ते जनाब वाले तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारी नेकियों की तंबील में इजाफा होगा, तुम्हारे घरों में बरकतें होंगी, बोलते रहो हम भी बोलते रहे। तो जनाब वाला ख्वाजा गरीब खुद फरमाते हैं एक बार ख्वाजा की खुद बोली सुनो, एक बार की बात है, किताब का नाम लिख लो सियारुल अख्ताब, किताब का नाम है, एक बुढ़िया आई रो रही थी, दारों के तार तड़प रही थी, या ख्वाजा मुझे मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो ख्वाजा, मेरे बेटे को फांसी दे दी है हाकिम वक्त ने, मेरे ख्वाजा अकेली औलाद है, फांसी हो गई है सरकार, अब मैं क्या करूं, बुढ़ापे का सहारा छिन गया, बुढ़ापे की लकड़ी टूट गई, या ख्वाजा मेरी मदद करो। ख्वाजा को तरस आ गया, जनाब वाला बुढ़िया से फरमाया कहां है तेरे बच्चे की लाश, तो जनाब वाला बुढ़िया लेके चली गई ख्वाजा गरीब नवाज को अपने बच्चे की लाश पर, हजरत मोहतरम बे चांद पड़ी थी वो लाश, बे गोरो कफन पड़ी थी वो लाश, हजरत मोहतरम बे उसे बेकसूर मारा गया था। बुढ़िया ने कहा मेरे बेटे को ना हक मारा गया, मेरे बेटे को बेकसूर मारा गया, तड़प गई बुढ़िया, हजरत मोहतरम उसकी तड़प देखी ना गई ख्वाजा गरीब नवाज से, तो कहने लगी सरकार इस बेटे को मेरे मेरे हवाले कर दे, सरकार अल्लाह ने आपको बड़ा पावर अता फरमाया है। गरीब नवाज को तरस आ गया, गरीब नवाज ने उस लाश के चेहरे पर
पर कुछ देर अपनी प्यारी नजरें जमाए रखी, थोड़ी देर खड़े रहे और उसके बाद गरीब नवाज ने उस लाश की गर्दन के पिछले हिस्से को अपने हाथों में लिया, थोड़ी देर दबाया और इरशाद फरमाया, ना हक मारा गया है, बेकसूर मारा गया है, हाकिम वक्त ने तुझे तेरे साथ ज्यादती की है, तो फौरन मेरा ऑर्डर है तू फौरन खड़ा हो जा। इस गवाह है, किताब का नाम लिखो, पूरी किताब है सियरुल लक्ताब, जनाबे वाला जैसे ही ख्वाजा ने इरशाद फरमाया फौरन खड़ा हो जा, एक लम्हे की ताखीर किए बगैर वो लाश फौरन जनाबे वाला सीधी हुई, वो नौजवान खड़ा हुआ, झुका, कदमों में गिरा और कदमों में गिर के सलाम किया और सलाम करके बोला, सरकार जब आपकी शान ऐसी है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान कैसी होगी। मोहतरम खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद ख्वाजा ने कहा, जा, अल्लाह ने तुझे जिंदगी दे दी, अपनी माँ का हाथ पकड़ और माँ के साथ अपने घर को चला जा, इजाजत दी, माँ के साथ बेटा घर गया, उधर वो बूढ़ी खुशी खुशी अपने लाल अपने लखते जिगर को लेकर चली, इधर मेरा ख्वाजा अपने गुलामों से बोला, वाह वाह, बोली सुनो उन्हीं की बोली है, मेरा ख्वाजा अपने गुलामों से बोला, एक मोमिन का ताल्लुक, ख्वाजा साहब बोलते हैं, एक मोमिन का ताल्लुक अल्लाह ताला से ऐसा ही होना चाहिए कि बंदे मोमिन अल्लाह ताला से कुछ मांगे और अल्लाह उसकी दुआ को जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह, ऐसा ताल्लुक है अल्लाह से मेरे गरीब नवाज का, फरमाया आज जाकर कह देना कि वो जो गेट पे बाबा बैठे हैं उन्होंने कह दिया है, आज पी लेना। हजरत मोहतरम अंदर गए, जो कुछ करना था किया और करने के बाद में जैसे ही उन्होंने दूध उंडेलने से पहले बोली, वो जो गेट पे बाबा बैठे हैं उन्होंने कह दिया आज पी लेना, हजरत मोहतरम इतना कहना था, अब मुंह खुल गए, उनके भी खुले, इनके भी खुले, पत्थरों के पीने खुले और इन औरतों के हैरत में खुल गए, ये क्या हो रहा है। हजरत मोहतरम दूध खत्म हो गया मगर मुंह बंद न हुए, हैरत की मारी हैरत और दहशत दोनों छा गई, बाहर निकली और बाहर निकली तो एक नजर मेरे ख्वाजा को देखा तो दूसरी नजर से आई उधर को देखा, उधर देखे कभी ख्वाजा को देखे, मेरे ख्वाजा ने नजरें झुका के पलके बिछा के मुरादबे के हाल में था, नजरें बिछाए ख्वाजा ने इरशाद फरमाया क्या सोच रही हो, बाबा ये सोच रहे हैं कि पूजा करें तो किसकी करें, उनकी करें या तुम्हारी करें, गरीब नवाज ने फरमाया ना उनकी करो ना हमारी करो, इबादत करना है तो परवरदिगार की करो जिस परवरदिगार ने पत्थरों को भी पैदा किया और मोइनुद्दीन को भी पैदा फरमाया, कहा करना क्या होगा, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जानने वाला कलमा पढ़ा, घरों की हालत बदल दी, कलमा पढ़ा घरों की हालत बदल दी, औरत बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है, एक औरत अगर सुधर जाए पूरा घर सुधर जाता है, माँ सुधर जाए औलाद सुधर जाए, बीवी सुधर जाए शौहर सुधर जाए, बहन सुधर जाए भाई सुधर जाए, सबसे बड़ा किरदार माँ का होता है, अगर माँ अच्छी हो जाए तो खुदा की कसम सारा समाज अच्छा हो जाए, इसीलिए तो जनाबे वाला मैं ये कहता हूँ कभी कभी कि माँ अगर नमाजी हो तो बेटा नमाजियों का इमाम हो, माँ आबिदा हो बेटा आबिदों का इमाम हो, माँ तहज्जुद गुजार हो बेटा आबिद शब्दार हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ अगर फातिमा जहरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है, माँ ज़ैनब होती है बेटा उन्हें मोहम्मद होता है, माँ उम्मुल खैर होती है बेटा गौसे आजम होता है, माँ उम्मुल वरा होती है बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है, और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में हाफिज शाह जमालुल्लाह के नाम से जाना और पहचाना जाता है, और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुना दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के पूरे पर्रे शरीर में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारता हुआ नजर आता है। इन माँ पर डिपेंड है समाजों की कहानी, अगर माँ अच्छी हो गई सारा समाज अच्छा होता है। औरतों से बहुत जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा कि तुम या तो मेरी बहन लगती हो या मेरी माँ लगती हो, और अगर कम उम्र है तो जनाबे वाला हो सकता है बहन का दायरा है बेटी का दायरा आता हो, सबसे कहना चाहूंगा तुम्हारे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो मेरी माँ,
अपनी जिम्मेदारी को पहचानो मेरी बहनों, खुदा की कसम तुम अगर अपनी विचारधारा को चेंज कर दो तो इंकलाब आ जाएगा। इंकलाब हजरते मोहतरम टाइम ज्यादा हो रहा है, किसी मौके पे बात करेंगे। इधर जनाब घर गई, घरों का माहौल बदल डाला। अब जब उनके शौहर वापस आए, जब बदले हालात देखे तो जनाबे वाला वो जब उन्होंने ये देखा कि हालात बिल्कुल चेंज हैं, इसलिए क्या बात है तो अपनी औरतों से पूछ रहे हैं, अजी क्या हुआ, क्रांति कैसी, ये बदलाव कैसा, ये 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 तब्दीलियां कैसी है घर के अंदर, जो अच्छे खासे ऊपर बैठे थे नीचे कैसे पड़े। तवज्जो है तो जनाबे वाला वो बोली, हमसे ना पूछो, हमसे ना पूछो जी, ना हमसे ना पूछो। कहा फिर चाय पी लो। तवज्जो है, ये तवाज़ो और इन तवाज़ो में आता, खातिर मुदरात में आता, अल्लाह कबूल फरमाए, बहुत मोहब्बत है। हम से ना पूछो जी, कहा फिर किससे पूछे, कहा वो जो गेट पे बाबा, इधर देखो वो जो गेट पे बाबा बैठे हैं, जाओ एक बार उनका चेहरा देख के आ जाओ। हजारों लोग चले, ख्वाजा का चेहरा देखा तो खुदा की कसम हिस्ट्री गवाह है, जैसे ही चेहरा देखा है तो हजारों नजरें हजारों दबाने, भैया की दबान होकर बोली, ओ दिल्ली के मोइनुद्दीन, जब तुम्हारी रूहानियत और नूरानियत शान की है तो मदीने वाले खातम और मुर्सलीन की नूरानियत और रूहानियत और उनके जलवों के तकद्दुस का क्या हाल होगा। हाथ पढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। जनजन वाला एक आंधी चली, एक लहर चली, एक करंट दौड़ा, चारों तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर हसद की आग भी सुलगने लगी, इधर हसद की आग भी सुलगने लगी, और इस हसद की आग से एक कयामत टूटी तो उठ खड़ा हुआ। हजरत मोहतरम मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा की राहें रोकी गई, ख्वाजा को मारने के प्लान किए गए, मगर जनाबे वाला जिसे अल्लाह रखे, जिसे अल्लाह रखे कौन रखे, मेरा ख्वाजा हक हक चकाक दिल्ली में जला के अजमेर रवाना। जादूगरों से मुकाबला हुआ, मगर कौन टिका, अकेला ख्वाजा पूरा इंडिया एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ। मोमिन की शान ही ऐसी होती है जनाब वाला, उसके पास जनाब वाला जो जज्बे और हौसले होते हैं और ईमान की ताकत होती है, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो ईमान की ताकत वाले के सामने खड़ा हो जाए, मगर वो तो हमारे पास ईमान की ताकत न रही। हम माजल्ला सरदार माजल्ला मुस्तफा जाने रहमत को भी माजल्ला शक्की नजरों से देख लगे, कोई इल्म का सवाल उठाए पड़ा है, कोई जनाब वाला उनके पावर का सवाल उठाए पड़ा है, मगर पिछले लोग इल्म और पावर का सवाल नहीं उठाते थे, वो आंखें बंद करके हुजूर को नबी मानते थे, जनाब वाले वो नबी के गुलाम थे, वो नबी के गुलाम थे तो जमाने के इमाम थे, वो नबी के गुलाम थे तो जमाने के इमाम थे। आज हमारे बीच में जनाबे वाला कुछ लोगों ने अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत पर मीटर चलाने की कोशिश की और नतीजा तुम सबके सामने है। आज हमारी हालत ये है, वो ईमान का जनाबे वाला ताकत ईमान की रखते थे, कोई न टिका, न जोगी जयपाल टिका, न फितोरा राय टिका, कोई नहीं टिका। बल्कि एक वक्त तो जनाबे वाला जब ज्यादा सितम उरूज को पहुंचा तो मेरा भाजा बोला, मन फितोरा राय रा, मन फितोरा राय रा, जिंदा की रफ्ता बदस्ते लश्कर इस्लाम बनाम, मैंने जिंदा पकड़ के फितोरा राय को लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया, लश्कर इस्लाम के हाथ में दे दिया। उधर शहाबुद्दीन गौरी जला, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह जी जी जी। मुझे लग रहा है ये नाते सुनना चाहते हैं, नहीं नहीं आप नाते सुनाइएगा और तकरीर करवाइएगा और ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, मैंने प्यास छोड़ी है इनके बीच में, इंशाल्लाह ये जिक्र और सुनेंगे। अल्लाह ये उनके आलम भाई के घर है, बरकत दे अल्लाह ताला, खूब अच्छा रखे, गांठ आई है।
हाँ हाँ इंशाल्लाह। मुझे चूंकि सफर दरपेश है, लंबा सफर है, अगर वो सफर ना, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि हुजूर मेरे साथ ही मामला है, मगर फिर भी दो चार मिनट की बात और सुन सकते हो तो हाथ उठा के कहो मचल के सुभान अल्लाह। हजरत अल्लाह ताला कबूल फरमाए और दोनों जहान में तुम्हें चैन नसीब फरमाए। इरशाद फरमाया मैंने लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया, उधर से गौरी चला। इरशाद फरमाया इसे पकड़ ले, आ जा इसे। अब जनाब वाला उधर से चला, कहाँ चला? पंजाब के रास्ते से वो इंडिया में एंट्री करता है। मुकाबला हुआ त्रावड़ी के मैदान में, तवज्जो है, मुकाबला हुआ, मेरे ख्वाजा ने कहा जिंदा दे दिया, जिंदा ही पकड़ा गया और जब फतह का झंडा लहरा दिया, बहुत खुश था, फतह का झंडा लहरा दिया, तो किसी ने उसे बताया कि यहाँ अजमेर में तुझसे पहले इस्लाम आ चुका है। सुभान अल्लाह, जरा मेरी तो मुलाकात कराओ बादशाह, मेरी तो मुलाकात कराओ। हजरत जब उसके लोग लेके गए कि वो दरवेश वो है, तो जनाबे वाला जैसे ही चेहरा देखा, खुदा की कसम चक्कर सब चकरा गया, ये तो वही हस्ती है जो ख्वाब में नजर आई थी, ये तो वही हस्ती है जिसने मुझे ख्वाब में इशारा किया था। हजरत मोहतरम पता ये चला कि ये ख्वाजा गरीब नवाज, खुदा की कसम जबान पुख्ता, अमल पुख्ता, दिल पुख्ता, दीन का झंडा बुलंद कर गया और जनाबे वाला एक लाख को नहीं कई लाख को इस्लाम की बहार अता फरमाई। जो किरदार उनका है खुदा की कसम हिंदुस्तान में रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हजरत मोहतरम इस देश में अगर दीन किसी ने फैलाया है तो यही अल्लाह वाले हैं। आखिरी जुमला कहता हूँ, इन अल्लाह वालों ने दीन फैलाया, गरीब नवाज ने फैलाया, निजामुद्दीन ने फैलाया, अलाउद्दीन ने फैलाया, ताजुद्दीन ने फैलाया, हमीदुद्दीन ने फैलाया, वलीदुद्दीन ने फैलाया, फतुल्लाह हाफिज़ जमालुल्लाह ने फैलाया और थोड़ी बुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, इन दीन फैलाने वालों के इन्होंने दीन फैलाया और इस दौर में अगर इनके फैलाए हुए दीन को किसी ने बचाया है, फैलाने वाला ख्वाजा है और खुदा की कसम आज के दौर में ख्वाजा के फैलाए हुए दीन को बचाने वाला कौन है? फैलाया ख्वाजा ने है और आज के दौर में उस दीन को बचाया है बरेली के इमाम अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु। फैलाने वाले ख्वाजा है, बचाने वाले आला हजरत है। एक फैलाने वाला होता है, और नबी के शहजादे मेरे हुसैन ने उसी फैलाए हुए दीन को कर्बला में आके बचा लिया, वो फैलाते हैं, ये बचाते हैं, ख्वाजा फैलाते हैं दीन मुस्तफा और बरेली के इमाम अहमद रजा बचाते हैं दीन ख्वाजा, दीन मुस्तफा जनाबे वाला ये खुदा वाले हैं, बड़े एहसान है इनके हमारे सरों पे, इसलिए इन अल्लाह वालों की खिदमतों से कभी गाफिल ना होना। जहां हेलीकॉप्टर से ना पहुंच सके वहां अल्लाह वाले का मजार मौजूद है, जहां हवाई जहाज से ना जा सके अल्लाह वाले का मजार मौजूद है। हाँ हाँ, समंदरों के जदीरों में अल्लाह वालों के मजार हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में दीन का अगर किसी ने शंका बजाया है तो अल्लाह वालों ने बजाया है। अल्लाह वालों के लिए दिल हमेशा झुके रखना, अदब रहना इन बारगाहों में, इंशाल्लाह नसीब हो जाओगे, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, इंशाल्लाह तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी आखिरत दोनों कामयाब होंगी। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो अल्लाह मुझे माफ कर दे, अकुल कौली हादा वास्तगफिरुल्लाह ली वलकुम, मैं भी पढ़ लूं आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठे रहिएगा इसी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।